शांति। आज है 16/3/14 और क्या है आज? आज है रंग बेरंगी रंगों से खेलने वाली होली। आज है होली का त्योहार। तो होली के त्योहार में क्या करेंगे? स्थूल रंगों से हम नहीं होली खेलेंगे। हाँ, यदि किसी को दिल होती है तो खेलें अवश्य, लेकिन पहले हमें जो शिव बाबा के संग के रंगों की जो होली बाप दादा हमारे संग खेलते हैं, पहले हम वो होली खेलेंगे। तो आइए हम होली खेलते हैं ज्ञान के विविध रंगों से, गुणों के विविध रंगों से और शक्तियों के विविध रंगों से। जो रंग पक्का पक्का चढ़ता है, हाँ, कभी भी ये रंग उतरेगा नहीं, ऐसा ही है ना? आप सभी ने भी अपने ऊपर पक्का पक्का रंग लगाया है ना? तो आइए सुनते हैं कि बाप दादा क्या कहते हैं आज। तो आज की मुरली का शीर्षक है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवॉर्ड लेने के पात्र बनो। देखो, रंग जब ही सब रंग लगाते हैं ना दुनिया में, तो इतने पक्के पक्के रंग लगाते हैं, पूरा मुंह भी रंगों से भर जाता है, फिर पहचान भी मिट जाती है, कहने में भी खराब लगता है कि मुंह जैसे बंदरों के जैसा हो जाता है और कोई पहचाना नहीं जाता है कि कौन व्यक्ति कौन क्या है। तो हमारा बाबा कहते हैं ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम स्वरूप सुंदर थे, उससे क्या बन गए? असुंदर, कुरूप बन जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि व्यर्थ और नेगेटिव क्या करता है? हमारे देवता स्वरूप को वो कुरूप बना देता है, असुंदर बना देता है। इसीलिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर, अवॉइड कर माना उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, और अवॉर्ड लेने के पात्र बनो। हाँ, अवॉर्ड माना कोई इनाम विशेष प्राप्त करने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। तो ये प्यार का रंग कितना अच्छा, जो जन्म जन्मांतर तक हमारे ऊपर चढ़ा हुआ ही रहेगा। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को क्या कर देता है? शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो, तो स्वयं को ऐसा सौभाग्यशाली समझते हैं। हाँ, बाबा ने तो हम बच्चों को सौभाग्यशाली बनाया, लेकिन हम स्वयं भी स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं, वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबर वार। हम बच्चे भी हर्षित रहते हैं, परंतु नंबर वार। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं। हाँ, क्या सुनो कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाली अविनाशी रत्न भव। हाँ, फिर से पढ़ती हूँ, याद रखें सभी। सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के आप लाडले हो और प्यारे हो। सारे विश्व की आत्माओं में से हम बच्चे ही बाबा के लाडले हैं और बाबा को प्यारे हैं। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं,
इसी परमात्म प्यार में लग्न लवलीन रहो। हाँ, दूसरा भी वरदान बाप दादा दे रहे हैं कि इस ही परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परस्थिति, हाँ, स्वस्थिति नहीं, परस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। जिस नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलती रहती है या खेलने आती है। भिन्न भिन्न रूप धारण कर माया आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्वशक्तियों के आगे माया तो आंख उठाकर देख भी नहीं सकती। आपका तीसरा नेत्र है ना, सभी को तीसरा नेत्र, आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र, ज्वालामुखी तो कैसा होता है, एकदम सारे कई एरियाओं तक वो जला करके नष्ट कर देता है। तो ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है, सभी को प्राप्त है। लेकिन बाप देखते हैं कि कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, आंख थक जाती है, और थकने के कारण नेत्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे कई योग में बैठते हैं, और विशेष मैंने अनुभव किया है, देखा है सभी को, कि 3 मिनट का जो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है ना, तभी तो खास सभी के नेत्र बंद हो जाते हैं, थकावट सारी बाहर निकलती है और जुटका खा लेते हैं, समझते हैं अभी 3 मिनट देही अभिमानी स्थिति के लिए मिला, माना विश्राम घर में जाने का मिला, तो सचमुच ही विश्राम करने लग जाते हैं। तो मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, क्या थक जाता है, तीसरा दिव्य नेत्र, और थकने के कारण फिर वो बंद हो जाता है। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प के द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाटधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना, नहीं नहीं देखो आगे बाबा क्या कहते हैं, अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार। तो सोचो, हाँ, कितने हम बाबा को प्यारे हैं, कितने तो बाबा ने प्यार में टाइटल दिए, और कितना हम बच्चों को नवाजा। अच्छा, तो अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख और हर्षित चित्त भव, अंदर में हमारी चेतना सदा हर्षित रहे। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं, तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का ये यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सर्व प्राप्तियों से भरपूर, जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। हाँ, जेब में जिसकी जेबें भरी हुई हो वही तो खुश रहेगा। तो बाबा भी कहते हैं सर्व खजानों से जो भरपूर होगा वही हर्षित रहेगा। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे भी लेकिन दिल से नहीं,
आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हैं। स्लोगन है आज का, पास विथ ऑनर होना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। पास विथ ऑनर बनना है तो हर खजाने का जो जमा का खाता है ना, बैलेंस का खाता, वो भरपूर हो। अच्छा, ओम शांति।